अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मोहम्मद अली आगा विद फिजान सलीम। और व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार लेके आए हैं जिसका नाम है जी जेनेसिस GV60। और ये जेनेसिस जो है हुंडई की टॉप ऑफ द लाइन है, यानी कि जैसे कि टोयोटा की टॉप ऑफ द लाइन लेक्सस कार्स हैं, वैसे ही ये हुंडई की टॉप ऑफ द लाइन जेनेसिस है। तो ये कार अवेलेबल है जी पार्क मोटर्स जेल रोड पर। अगर आपको कार देखने के बाद इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ये कार अवेल कर सकते हैं। तो कार की तरफ अब हम चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इसकी लुक्स की। तो व्यूअर्स, इस खूबसूरत से सीशल नुमा जेनेसिस की अगर हम बात कर लें GV60 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लाइट्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइट्स में, आप देख सकते हैं सिंपली टू लाइन कॉन्सेप्ट इसका जेनेसिस ने डिज़ाइन किया है। यहाँ पर हमारे फिलोसफर इसको काफ़ी चीज़ों से रिलेट करेंगे, पोर्शे से या किसी अदर कार से, लेकिन सिंपल यहाँ पर टू लाइन कॉन्सेप्ट है इसका। सेंटर में इसकी डिवीजन है, और इसके अलावा फ्रंट पे आप देख सकते हैं इसके एयर इनटेक के लिए लोअर साइड पे आपको ये ग्रिल दी जाती है। इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स भी ऐड हैं। कार की अवेलेबिलिटी है जी पार्क मोटर्स जेल रोड पर। और इसके अलावा देन इसके हम साइड प्रोफाइल की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रिम है बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है, किसी टर्बाइन से रिलेट करता हुआ। एंड देन इसकी अगर हम प्रोफाइल की बात कर लें तो 255x45 और R20 साइज में इसका ये रिम आता है। एंड देन मैकपर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग इसके अंदर सस्पेंशन है, और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स भी इसके अंदर ऐड की गई हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप यहाँ पर देखें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑलमोस्ट 160 mm में भी मिल जाती है। इसके जो साइड मिरर्स हैं वो यहाँ पर रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं, और इसके अंदर आपके 360° कैमरा भी ऐड किए गए हैं। जैसे ही मैं इस कार को की अगर मेरे पास है और मैंने इसको लॉक कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये पॉप आउट होते हैं। और सिंपली अगर मैं किस कार के करीब आ जाऊँ इसके लॉक के पास, देन ये ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाएंगे, सेंस करेंगे। इसके अलावा इसके बैक साइड पर इसकी एक चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 230 वॉट, यानी कि इसमें आप हाउस होल्ड पर इसकी चार्जिंग कर सकते हैं। देन इसके अगर हम बैक डिज़ाइन की तरफ आ जाएं तो काफ़ी ज़्यादा स्लोपी है। टॉप साइड पर आप देख सकते हैं इसमें शार्क फिन एंटीना एडिड है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं ये इसका स्पॉयलर बहुत खूबसूरत लुक के साथ। एंड देन जेनेसिस का नेम मेंशन है, और जिस तरह आपका फ्रंट साइड पर टू लाइन कॉन्सेप्ट है, इसी तरह आपका बैक साइड पर भी टू लाइन कॉन्सेप्ट इसकी ब्रेक लैंप्स में ऐड किया गया है। और सिंपली इसके अंदर सेंटर में ये डिवीजन है टू लाइन कॉन्सेप्ट के अंदर। GV60 इसका मॉडल है। एंड देन अगेन कार की अवेलेबिलिटी है पार्क मोटर्स जेल रोड लाहौर पर। और बाइक साइड पर आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर है। एग्जॉस्ट इसमें कोई नहीं है क्योंकि कम्प्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो देन इसमें एग्जॉस्ट नहीं है क्योंकि नो कार्बन एमिशन। थोड़ा सा अगर हम इसके बूट स्पेस की बात कर लें तो यहाँ पर की में मेरे पास इसका बूट ओपनर का ऑप्शन है, तो बूट ओपन होते साथ ही यहाँ पर आपको देखने में मिली एक अच्छी खासी स्पेस। और स्पेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 400+ लीटर में देखने में मिल रही है। इसको फर्दर आप एक्सटेंड करना चाहें तो आपको सीट लोअर करके एक साइड की दिखाता हूँ। तो जिस तरह ये आपका वन साइड से स्प्लिट हुआ, आपने देखा यहाँ पर आपको 30-70 का स्प्लिट मिलता है, और इसी तरह आप अदर साइड को भी स्प्लिट कर सकते हैं, और ये आप अपनी बूट स्पेस को फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं अगर आपके पास लगेज वगैरह ज़्यादा है। और सिंपली आपके वन प्रेस पे आपका ये बैक साइड पर इवन आपके रिवर्सिंग कैमरा है। इसके ओवरऑल 360° लुक में इसके रिवर्सिंग कैमरा है। टॉप साइड पर अगेन शार्क फिन एंटीना के साथ आप देख सकते हैं रूफ नेल्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। और अगेन कार की अवेलेबिलिटी है जी पार्क मोटर्स मौलाना शौकत अली रोड लाहौर पर। थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल की, जिसकी वजह से हमें इस कार में एंट्री मिल सकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत डिज़ाइन है इस की का। इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन आप देख सकते हैं। की हमारे पास है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और क्यों ना इस कार को स्टार्ट कर लिया जाए। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ईवी स्टार्ट स्टॉप का बटन है। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो कार ने हमें वेलकम किया विदाउट एनी साउंड। तो वेलकम तो कर लिया, लेकिन सबसे पहले अब हम जो काम करने वाले हैं वो है जी इसका AC को ऑन करने लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये नॉब है जिससे इसका AC जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये डुअल क्लाइमेट है इस वक्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल क्लाइमेट जोन इसका। आप जिस तरह चाहें अपने हिसाब से अपनी साइड का पैसेंजर अपनी मर्जी से जो है टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकता है। अच्छा जी, AC इस वक्त हमारा स्टार्ट हो चुका है, कार के अंदर हम आ चुके हैं। तो कार की बात कर लेते हैं फर्दर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक बिग डिस्प्ले में आपको वन साइड पर मीटर मिलता है, और वन साइड पर इसका एंटरटेनमेंट नेविगेशन एंड अदर फीचर इसके मिल जाएंगे। इसको जैसे ही मैं स्वाइप करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं आप सबसे पहले इसका EV
मैप, डेस्टिनेशन, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो सेटिंग्स इसकी आ जाती है, जिसको ड्राइवर लॉगिन के बाद आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट क्या क्या कर सकते हैं, जिस तरह इसकी सीट की अगर मैं बात करूँ तो वो मेमोरी सीट्स हैं, इसमें 2 मेमोरी सीट्स आती हैं आपकी, और इसके अलावा इसमें 6-वे एडजस्टमेंट है इसकी। एंड देन आप इसमें देख सकते हैं कि आपके बड़ा ही खूबसूरत सा इसमें स्टेयरिंग व्हील ऐड किया गया है जेनेसिस के लोगों के साथ, SRS एयर बैग इसके अंदर माउंटेड है। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, फीचर्स हैं इसमें जी कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल मिलता है आपको इसके अंदर। इवन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पैडल शिफ्टर भी हैं, यानी कि आपको स्पोर्ट्स मोड भी देती है, आपको लेन असिस्ट मिलता है, आपको लेन डिपार्चर सिस्टम इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा इसके डिफरेंट ड्राइव मोड्स हैं, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले कम्फर्ट मोड आता है, देन इसका स्पोर्ट्स मोड आता है, एंड देन इसका इको मोड आता है। ये एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको मीटर में शो भी हो रहा है, कम्फर्ट मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड देन इको मोड। इसके ये 3 मोड्स हैं इसके अंदर, और आपके मसाजर सीट्स भी हैं जी इसके अंदर। एंड देन आप देख सकते हैं कि लोअर साइड पे इसके एसी वेंट्स बड़े खूबसूरत स्लीक एंड स्लिम डिज़ाइन में हैं। इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो बड़ा खूबसूरत है। क्लाइमेट कंट्रोल के थोड़ा सा नीचे अगर आप देख सकें तो आपको USB पोर्ट मिलती है, आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, 12 वोल्ट की पावर आउटलेट मिलती है, और उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएँ तो ये नोब आ जाती है। ये नोब इंतहाई खूबसूरत है, यहाँ पर आप इसको चाहे तो टच से यूज़ कर लें या फिर आप इसको रोटेटरी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर से आप यूज़ कर सकते हैं। आप मीडिया में जा सकते हैं, आप अपना साउंड, AM/FM, एंड्रॉयड ऑटो प्ले, कार, एंड देन आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ये सब मैं इस नोब से कंट्रोल कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसके बात कर लेते हैं गियर शिफ्टर की, तो गियर शिफ्टर बहुत ही कमाल है। यहाँ पर आप इसकी नोब देख सकते हैं कि सिंपल ये रोटेटरी है, और जैसे ही मैंने इसको R पे किया तो यहाँ पर आपका 360 डिग्री कैमराज जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। इसका 3D व्यू आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा 3D व्यू आ रहा है। अगर आप इसका वन साइड व्यू देखना चाहें तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपके कार की डायमेंशंस वगैरह ओवरऑल आपको शो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा क्या इसका ये 360 डिग्री व्यू है। एंड देन आपका अगेन इसका ये रोटेटरी नोब है, आप इसको ड्राइव पर ले जाएँ, इसको न्यूट्रल कर दें और सिंपल प्रेस करने पर ये अगेन पार्किंग पर आ जाती है। बोथ साइड की जो सीट्स हैं वो हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का ऑप्शन है, एंड देन मेरे वन प्रेस पे इसका जो है इसका 360 डिग्री व्यू भी काम आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंटल लुक है, फ्रंटल कैमरा, जिसमें नेक्स्ट टाइम आपको ये लेक्सस का रिव्यू हम देंगे, ये भी मैंने आपको टीज़र दे दिया। एंड देन इसका ओवरऑल अगेन 360 डिग्री लुक भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो इसके अलावा नीचे आपको मिलता है जिसके अंदर वायरलेस चार्जर के अलावा नीचे आपको एक कंसोल मिलता है, और इसके अंदर ये जो लेदर है यही लेदर इसकी सीट्स में है, यही लेदर इसके डोर्स में है, यही लेदर इसके इवन डैशबोर्ड में भी इसके यही लेदर है। और इतना सारा ये लेदर जो है ना, ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये इसकी लग्जरीनेस शो कर रहा है और इसकी एक्सपेंसिवनेस शो कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा लेदर ऑब्वियसली आप अंदाज़ा लगा लें कि उतनी ज़्यादा ये कार भी एक्सपेंसिव होने वाली है। इसके अलावा इसके ग्लव्स बॉक्स की अगर हम बात कर लें तो ग्लव्स बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, ट्रे की शेप में है। आप जिस तरह ये स्क्रोल हो रहा है, आई होप कि आपको व्यू मिल रहा होगा, स्क्रोलिंग पे है ग्लव्स बॉक्स इसका। एंड अगर हम इसके यहाँ पर देख सकते हैं साइड पर आपको स्पीकर मिलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एंड देन आपको यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा राउंड शेप में डोर लॉक मिलता है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, विंडोज़ के कंट्रोलर हैं, एंड आपके जो बोतल होल्डर गिलास होल्डर वाला ऑप्शन है वो भी इसके अंदर आपको ऐड मिलता है। टॉप साइड पर अगर आप दिखा सकें तो आपको यहाँ पर सनरूफ मिलता है, जिसको मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका आ गया जी पैनोरामिक सनरूफ वाला ऑप्शन, सिंपली पैनोरामिक सनरूफ है, और ये जो इसका शेड है इसको आप ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। एंड देन अगर आप इसकी बैक साइड पर आ जाएं तो बैक साइड की जो पैसेंजर्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल किया गया, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लेदर यूज़ किया गया है, और टोटल 5% की सीटिंग कैपेसिटी है। सीटिंग कैपेसिटी में आप देख सकते हैं इसको एग्जेक्टिव क्लास में कन्वर्ट करना चाहें तो एग्जेक्टिव क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको एक अच्छा हेड स्पेस, एक अच्छा लेग स्पेस मिल जाता है। और आप अगर अपने फ्रंट वाले पैसेंजर को तंग करना चाहें तो उसको आप यहां से ये बटन प्रेस करके तंग भी कर सकते हैं। ये अगर आपको सीट आगे करनी है इसको आप ऐसे आगे स्लाइड कर सकते हैं, आगे को आपको बैक करनी है तो आप इसको बैक कर सकते हैं, यानी कि आप आगे बैठ के अपनी मर्जी से आपके अगले वाले पैसेंजर की सीट को भी एडजस्ट इजीली कर सकते हैं। एंड देन बैक साइड पे अगर आपको दिखाता चलूँ तो इसमें आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलती हैं 2 अदद, और इसके अलावा
आपको इसमें क्या मिलता है, फर्दर नीचे एक नेट मिलता है, इसके अलावा साइड पे आप देख सकते हैं ग्लास होल्डर मिलते हैं, लॉक अनलॉक ऑप्शन मिलता है, अगेन बैंग एंड ऑलेफसन के इसके अंदर स्पीकर हैं जो ओवरऑल इस कार की एंटरटेनमेंट को सराउंड किए हुए हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको कोई सॉन्ग नहीं सुना सकता, लेकिन अदरवाइज इसका साउंड सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। और ये इसका ओवरऑल इंटीरियर है, इवन आपके जो बैक साइड पर है वो आपका स्टडी मोड भी दिया जाता है, आप यहाँ से अपनी साइड जो पैसेंजर है इसको ऑन करके अपना रीडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, या जिस तरह आप इसको यूटिलाइज करना चाहें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज़ जाते हुए मैं आपको और दिखाना चाहूँगा इस कार के अंदर, वो है जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि अभी सिंपल मेरे इस कार को ऑफ करने पर, वाओ लुक एट दिस क्रिस्टल बॉल, ये क्रिस्टल बॉल जो है रोटेट हो जाता है, यानी कि आपकी एक तरह से कार सेव हो जाती है, आपके जो शिफ्ट्स वगैरह हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो ये था इसका कुछ खूबसूरत सा लग्जरियस सा महंगा सा इंटीरियर। तो फर्दर आपको इस कार की प्राइस और बाकी माइलेज वगैरह के बारे में बाहर चल कर जी। तो व्यूवर्स अगर बात कर लें इसकी बैटरी की, तो 77.4 किलोवाट आवर वाली इसके अंदर बैटरी आती है, ये मोटर पे सारी ऑपरेट होती है, नो गैसोलीन, नो डीजल रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल रिक्वायर्ड, नो कार्बन इमिशन। और अगर हम इस कार की प्राइस की बात कर लें तो प्राइस इसकी डिमांड की जा रही है 3 करोड़ रुपीज़, पार्क मोटर जेल रोड पर, ह्यूंडई की टॉप ऑफ द लाइन जेनेसिस सीरीज। और आपको ये कार पसंद आ गई है या हमारा रिव्यू पसंद आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट भी हम फ्यूचर में आपको इस तरह की खूबसूरत कार के बारे में डिटेल देते रहें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी न्यू कार के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।